कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स जो आपने पढ़ा था, हम उसके आज न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन में क्या क्या आ रहा था? एडिशन आ रहा था, सब्ट्रैक्शन आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन और आपका डिवीजन और एक पावर। ये सब कुछ कॉम्बिनेशन में हमने थ्योरी में तो पढ़ लिया था, पर अब बात ये आती है कि इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो मैं आपको देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल बता रहा हूं। आपको दो क्यूब दे रखे हैं, क्यूब फर्स्ट, ये क्यूब सेकेंड, ये दो क्यूब्स हैं। इसमें इसका वॉल्यूम तो आपको दे रखा है 2.2 ± 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है। और दूसरे का वॉल्यूम दे रखा है 4 ± 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे दो चीजें पूछी गई हैं, टोटल वॉल्यूम इनका कितना है पहले, तो इनका टोटल वॉल्यूम जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों वॉल्यूम को ऐड करोगे, 2 ± 0.02 प्लस 4 ± 0.04। अब ऐसी क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाता है वो आपको समझना है। देखो ऐड करते समय हमें जो ये ट्रू वैल्यूज होती हैं, ये आपको पता है, ये इस क्यूब का वैसे तो 2 सेंटीमीटर क्यूब है वॉल्यूम, पर इतनी उसमें एरर हो सकती है। इसका वॉल्यूम कितना है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें एरर कितनी हो सकती है, 0.04, ठीक है। तो ये एरर होती है, ये ट्रू वैल्यू होती है, इसमें ये एरर है, ये ट्रू वैल्यू है। तो पहले जो ट्रू वैल्यूज हैं उनको ऐड कर लो, इसको और इसको ऐड कर लो, फिर प्लस माइनस लगाओ, और जो एरर है उनको भी ऐड कर लो। बस अगर आपको ऐसी दो वैल्यूज को ऐड करना है तो पहले इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, फिर ये प्लस माइनस लगाओ और इन दोनों एरर्स को भी ऐड कर दो। तो ये आपके पास अब टोटल वॉल्यूम 6 ± 0.06 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया सिंपल। तो सबसे पहले मैंने आपको एडिशन करना सिखाया, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको, एडिशन। तो एडिशन इस तरीके से होता है। अब आपको अगर इससे डिफरेंस निकालने के लिए बोला जाए, आपसे बोला जाए कि इन दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस का मतलब आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है, V2 - V1, ये बड़ा है, 4 बड़ा है और 2 छोटा है, तो 4 ± 0.04 में से आप माइनस करना चाहते हो 2 ± 0.02 को। अब देखो एडिशन कैसे हुआ वो मैंने आपको बता दिया, इनको भी ऐड करना है, इनको भी ऐड करना है। जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगी, किसकी बात, सब्ट्रैक्शन की, तो डेल V इज इक्वल टू, ये जो ट्रू वैल्यू है इनको तो माइनस करेंगे, ट्रू वैल्यूज को क्या करते हैं, माइनस, और ये है एरर, तो एरर को ऐड कर देंगे, एरर को माइनस नहीं करेंगे, एरर हमेशा ऐड होती है, ये ध्यान रखना। यहां पर भी ऐड हो रही है एरर, यहां भी है, इसमें भी एरर की आपने, इसमें भी एरर की, तो आपने दो जगह एरर की, तो जब आप दोनों को कंबाइन करोगे क्वांटिटीज को तो वो एरर इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। तो ये एरर को आप दोनों एरर को क्या कर दोगे, ऐड, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है उनको आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 4 - 2 तो हो जाएगा 2, प्लस माइनस इनको ऐड करोगे 0.06, ये डिफरेंस आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन हो गया। तो एडिशन कहीं भी करना हो तो ट्रू वैल्यू को भी ऐड कर दो, एरर को भी ऐड कर दो। जब सब्ट्रैक्शन करना हो तो ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो लेकिन एरर को ऐड कर दो। तो ये एक कंसेप्ट है, जो आपने समझ लिया तो आप इस तरीके से कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना हो आप सीख जाओगे। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ऐसा ही एडिशन का और बता देता हूं मैं। एक रिपीट कर देते हैं एडिशन का, तो एडिशन तो जब करोगे तो एरर को भी ऐड करोगे और ट्रू वैल्यू को भी ऐड करोगे, सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे और एरर को ऐड करोगे। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और उठा रहा हूं, आपको दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2, मैं डिजिट जरा देख लेता हूं क्या है, R1 R2 दो रेजिस्टेंस है, एक है 3 ± 0.01 ओम
और एक है 4 प्लस माइनस 0.02 ओम। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंसेज आपको दे रखे हैं और बोला ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज मतलब एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, दूसरा ऐसे लगा है, R1 R2। तो इन दोनों को मिला के जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है? जब इन दोनों को सीरीज में लगा दिया तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है ये फाइंड करना है। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, उसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा और अब आप 12th में पढ़ोगे, लेकिन 9th और 10th में आपने पढ़ा है कि सीरीज में जब रेजिस्टेंस होते हैं तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। तो इन दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो दोनों रेजिस्टेंसेस को हम प्लस कर देंगे। 3 प्लस माइनस, पहले R1 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, ये R1 की वैल्यू और ये R2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू डालने के बाद क्या होता है, देखो मैंने बताया था अब ऐड करना है, तो पहले ट्रू वैल्यू को भी ऐड करो और एरर्स को भी ऐड करो, तो आपके पास ये आ जाएगा 7 प्लस माइनस ये आ जाएगा 0.03 ओम, ये आपका रेजिस्टेंस आ गया। तो ये भी देखो एक एडिशन का क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से। तो ऐड करने में कुछ भी नहीं है, सिंपल है, ट्रू वैल्यू भी ऐड होंगी और एरर भी ऐड होंगी। सब्ट्रैक्शन में ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट होंगी, एरर ऐड होगी, एरर हमेशा ऐड होती है, ये ध्यान रख लेना बस। आप ये आपका हो गया किसका, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। अब आप सीख गए, अब आप इस ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का हो। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन है कि देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ शीट, एक शीट की जो लेंथ है, शीट की लेंथ है 4 प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है, विड्थ वो है 2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर और आपसे इसका एरिया विद प्रॉपर लिमिट पूछ रहा है। इसका एरिया विद प्रॉपर लिमिट आपको बताना है, मतलब एक तो आपको एरिया बताना है और उसकी एरर बतानी है साथ में। एरिया विद प्रॉपर लिमिट का मतलब एरिया कितना होगा, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, मतलब आपको इस टर्म में बताना है एरिया, एक तो इसकी ट्रू वैल्यू और एक इसका एरर कितना आता है, ऐसे आना चाहिए आपका। तो एक तो आपको इसका मतलब ट्रू वैल्यू निकालनी है और एक आपको एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर। तो ये दोनों निकाल लोगे अगर, तो आप उसका एरिया विद प्रॉपर लिमिट फाइंड कर लोगे। तो कैसे करेंगे फाइंड, देखते हैं। पहले हम एरिया का जो ट्रू वैल्यू है वो निकालेंगे सीधे सीधे एल इंटू बी करके, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये जो लेंथ आपको दे रखी है इसमें जो 4 है ये ट्रू वैल्यू है, किसी भी शीट की लेंथ के दो वैल्यू हैं, एक ट्रू होती है और एक एरर, मतलब एल तो है 4 और डेल एल मतलब एरर है इसमें 0.04 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू तो ट्रू वैल्यू हो गई लेंथ की और ये उसमें एरर हो गई। ऐसे विड्थ में ये हो गई ट्रू वैल्यू इतनी है, लेकिन इसमें एरर आ रही है, वो एरर हो गई 0.02। तो ये बात हमें समझनी है। अब अभी हमें ट्रू वैल्यू निकालनी है एरिया की, तो हम L इंटू बी ट्रू वैल्यू का यूज करेंगे, 4 इंटू 2 तो मेरे पास आ जाएगा 8, मतलब मेरे पास एरिया की ट्रू वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो पहले तो सीधे फॉर्मूला, एरिया क्या होता है, शीट है ये, इसकी लेंथ और विड्थ दे रखी है, ये लेंथ और ये विड्थ, ऐसी शीट है ये, तो लेंथ और विड्थ को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। तो ये तो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ट्रू एरिया आ गया, इतनी इतना एरिया होना चाहिए, लेकिन अब उसमें एरर कितनी आएगी वो हमें फाइंड करनी है। ए फाइंड हो चुका है, अब हमें डेल ए फाइंड करना है, तो इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। और ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से रिलेटिव एरर निकालेंगे, रिलेटिव एरर विद द यूज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है z is equals to a into b, ये वाला मैंने आपको डेरिवेशन कराया था,
तो इसको कराने पे मुझे लास्ट में मिला था डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। आप चाहो तो पीछे जाके देख सकते हो, पीछे जाके आप इसको देख सकते हो, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस ए को क्या लिखा था डेल ए अपॉन ए प्लस बी को क्या लिखा था डेल बी अपॉन बी। तो अगर ऐसा ही फॉर्मूला मैं अब इस इक्वेशन का बनाऊं, तो जैसे मैंने जेड को क्या लिखा है डेल जेड अपॉन जेड, तो ए को क्या लिखूंगा डेल ए अपॉन ए इज इक्वल टू, फिर इसको लिखा मैंने प्लस माइनस लगा दिया है बाहर, इसमें भी लगा देते हैं प्लस माइनस। अब इस ए को लिखा है डेल ए अपॉन ए, तो इस एल को क्या लिखूंगा डेल एल अपॉन एल, प्लस बी को क्या लिखूंगा डेल बी अपॉन बी। तो ये फॉर्मूला मेरा तैयार हो चुका है, इसी तरीके से जैसे इससे ये आया था वैसे ही इससे ये आ चुका है। क्लियर है ना कहानी? आप चाहो तो इसको रिपीट कर लेना, वैसे आप जब भी पढ़ते हो तो पहले वाला आपको याद होना चाहिए। तो इससे अपने ये निकाला था, तो इससे ए ये भी वैसा ही है, देखो जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो ए को तो डेल ए अपॉन ए लिख दिया इज इक्वल टू प्लस माइनस, एल को क्या लिख दिया डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। अब इससे हम डेल ए निकाल सकते हैं क्योंकि बाकी सारी क्वांटिटीज हमारे पास हैं। डेल ए अपॉन ए कितना है 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल एल कितना है 0.04, डिवाइड एल कितना है 4 प्लस डेल बी कितना है 0.02 डिवाइड 2। तो डेल ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ये अपॉन में 8 भी आएगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.01 यानी प्लस माइनस 0.02। अब डेल ए इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0.02 इंटू 8, ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल ए आ जाएगा प्लस माइनस 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए भी आ गया और डेल ए भी आ गया, दोनों आ गए। तो एरिया आप लास्ट में कैसे लिखोगे, एरिया की ट्रू वैल्यू डालो पहले 8 इतना होना चाहिए, अब प्लस माइनस इतनी एरर है 0.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से जब हमें एरिया पूछा जाएगा साथ में उसकी एरर पूछी जाएगी, तो पहले सिंपल फॉर्मूला लगा के हम एरिया निकालेंगे। अब एरर निकालने के लिए हमें इसी फॉर्मूले से रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनाना होगा, ये रिलेटिव एरर है। तो इस फॉर्मूले का बनाते ही अब हमारे पास ए भी है, एल भी है, डेल एल भी है, बी भी है, डेल बी भी है। तो इसमें अब सारी वैल्यूज को पुट करके हम डेल ए इस तरीके से निकाल लेंगे, ये एरर आ गई। अब एरिया होना चाहिए था इतना, ये ट्रू वैल्यू है, लेकिन इसमें एरर इतनी आ सकती है, तो इसको फिर 8 प्लस माइनस 0.16 लिख देंगे, ये हमारा एरिया का आंसर हो जाएगा। तो अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन का हो गया। देखो एक क्वेश्चन सब होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, और एक एक क्वेश्चन कराने का मतलब है अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है अ पीस ऑफ मटेरियल एक्स इज गिवन टू अस, द मास ऑफ दिस पीस, मास दे रखा है एक पीस का 40 ग्राम विद एरर, एरर है 0.4 ग्राम, मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे 40 प्लस माइनस 0.4 ग्राम मास है और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है इसका 10 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। और इसी तरीके से डेंसिटी आपसे पूछी गई है, डेंसिटी आपसे पूछी गई है, तो वही है। डेंसिटी में एक तो हमें इसकी ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी और एक इसका एरर, तो एक तो ये तो ट्रू वैल्यू ये फाइंड करनी है और एक एरर। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी डी होती है एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसमें ये पूरा मास है लेकिन इसमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है मास की 40 ग्राम, ये ट्रू वैल्यू है, और एरर कौन सी है, एरर है 0.4 ग्राम।
वॉल्यूम, ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 10 cm³, ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम 10 cm³, और एरर 1 cm³। तो पहले आप ये सारी क्वांटिटीज लिख लिया करो इसमें से देख के, ये मास की ट्रू वैल्यू, ये मास की एरर, ये वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू, ये वॉल्यूम की एरर, ठीक है। अब हम डेंसिटी निकालते हैं m अपॉन v से, m ये ट्रू वैल्यू रख दो अभी, m है 40, वॉल्यूम है 10, तो डेंसिटी आ जाएगी 4, और इसका यूनिट आएगी ग्राम, ये मास ग्राम में मीजर कर रहे हो, ग्राम वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट आ जाएगी। ये तो ट्रू वैल्यू आ गई, ट्रू वैल्यू आ चुकी है डी बराबर इज इक्वल टू एम अपॉन वी से। अब हम डेल डी निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, जैसे हमने पहले निकाली थी रिलेटिव एरर। ये हमारा डिवीजन का क्वेश्चन हो रहा है, डिवीजन का, डिवीजन हो तो कैसे करते हैं, तो रिलेटिव एरर निकालेंगे, डी को लिख देंगे डेल डी अपॉन डी इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाएंगे, एम को लिख देंगे डेल एम अपॉन एम, प्लस वी को लिख देंगे डेल वी अपॉन वी। डिवीजन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, ब्रैकेट के अंदर हमेशा प्लस आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने आपको पहले भी ये बताया है वीडियो में कि डिवीजन में भी यहाँ प्लस आता है। अब हम वैल्यू डालेंगे डेल डी अपॉन स्मॉल डी को क्या लिख देंगे हम, स्मॉल डी ये रहा 4, प्लस माइनस डेल एम 0.4, एम 40, प्लस डेल वी 1, वी 10, डेल डी अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे 0.0 बना जाएगा, प्लस इसको करोगे पॉइंट बना जाएगा, तो डेल डी अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.11, तो डेल डी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 0.11 इंटू 4, यानी डेल डी हो जाएगा प्लस माइनस 0.44 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी एरर आ गई, ठीक है। तो पहले फॉर्मूले से तो ट्रू वैल्यू निकालो और ट्रू वैल्यू का यूज करो यहां पे, फिर इस फॉर्मूले से रिलेटिव एरर निकालो पहले, और रिलेटिव एरर में सारी वैल्यू डाल के देखो, सब डल गई, केवल डेल डी रह गया। अब डेल डी निकाल लो, अब आप डेंसिटी का आंसर लिखोगे, तो डेंसिटी की ट्रू वैल्यू कितनी होनी चाहिए 4, प्लस माइनस एरर कितनी आई 0.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। देख रहे हो आप किस तरीके से हमने डिवीजन को सॉल्व किया, तो मैंने आपको एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, मल्टीप्लिकेशन बता दिया, और डिवीजन भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इस पावर वाले को अभी एक दिन और लेंगे अपन, ये वाला भी छोड़ दो, ये एक दिन वीडियो और बनाएंगे, अभी मैंने ये चारों कराए हैं, पावर वाले के 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, क्योंकि अलग अलग तरीके के क्वेश्चन में बनते हैं। इन चारों के अलावा अब कोई भी एडिशन का आए तो एडिशन जैसे ही होगा, जैसे मैंने एक करा दिया, सब्ट्रैक्शन का आए तो सब्ट्रैक्शन जैसा देख लो, मल्टीप्लीकेशन का आए तो मल्टीप्लीकेशन का देख लो, डिवीजन का आए तो ये डिवीजन, तो ये इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसको रिपीट करना 2-3 बार और अच्छी तरीके से इसको पढ़ना।